जे मरकजी जनरल सेक्रेटरी सफदर अबासी साहब के तो हु अचन ही पने ख्यालन जो इजहार कन रहीम काबिल इतराम साईं सदुद्दीन शाह साहब मुझो इंतहाई काबिल इतराम अजो असो मेज़बान साईं मुर्दा खान जतोई साहब मुझा काबिल इतराम साईं अयाज लतीफ पलीजो साहब साईं जगदेश कुमार आहूजा साहब साईं असो वो लियाकत अली खान जतोई साहब और असो मेहमान मुझे भाटियो राशिद महमूद सुमरो साहब अबा राशिद साहब जी तकरीर का पो शायद कुछ गुंजाइश कोन बची आ पर कुछ गालियों यकीन करण जरूरी है अज असा उन जाए ते पहुंचा हूं जिते या गाल खत्म थी चुकी है। जरदारी साहब पांजे तरीके सा पांजे कूड़ सा पांजे लाड़ सा पांजे करप्शन सा ये गाल मानों के जहन में व्यारी हुई बस मुझे को मुतबादल को ने तो सिंध मुझी आ मां जिए चाहिंदु सिंध के हवा हलाइंदुस पर अज पीर साहब पागार की क्यादत में आ गाल साबित थी चुकी आ तो सिंध तुंजी ना है सिंध वाम जी आ सिंध सिंध जी आ सिंध हर उन शख्स जी आ जेको सिंध में रहे तो पियो असा के अता करनो आ मुजे भाड़ो मुजे साथियो मुजे अमड़ियो मुजे भेनरो माता के जसूस रे मुजे अमड़ियो जे तादाद में ता हते कठा थयो इन गाल साबित थी करे तो इन जदोजहद में जदी असन जो अमड़ियो मारियो अते वदी तो दुनिया जी का ताकत उन जदोजहद के कामयाबी खारो के नथी सके ता जी कामयाबी यकीनिया ही जको डाड हो ही जको डाड हो ही जको सपनन सारन जी करप्शन लूट मार आज इन मोरे में उन जो जवाब आ जरदारी तू खत्म थी चुको आ तुजी का मुस्तकबिल कोने सिंध जो आप तो के खड़ी चेहरा समुद्र में उछरी दो पीर साहब दफा वेझण में सामू आयो उन पांजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाम छोरी के जलसे में जेके गालियों कयूं उहे सभिनी लाइ समझण जी गाल आ चाहे वह पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हुए चाहे वह पाकिस्तानी सरदार हुए चाहे वह पाकिस्तानी अवाम हुए पीर साहब जो पैगाम मुझे साईं ताके समझने की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों आपके तवसुत से मैं ये इस्लामाबाद के कराची के वालों तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि उनके पैगाम को समझे जो कुछ उन्होंने कहा है वो एक धीमे तरीके से उन्होंने कहा है उन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से एक बात की है उन्होंने ये बात कही आप लोगों को कि अगर मजीद आपने तीन दफा उनके सबर को आजमाया 2013 के अंदर आपने जरदारी को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद से उससे बड़ा मैंडेट दिया आप लोगों ने 2018 में 2013 से बड़ा मैंडेट दिया और 2024 में आपने उससे भी बड़ा मैंडेट दिया पीर साहब ने बर्दाश्त किया हमारी ऑपोजिशन की क्यादत ने बर्दाश्त किया
बाबा मिट बाबा बर्दाश्त किया। 2018 में आपने हमारी जीडीए को आपने 14 सीटें सिंध असेंबली में और 3 सीटें कौमी असेंबली में दी। हम फिर भी सिस्टम के अंदर आए, हमने कहा ठीक है शायद आवाम का मैंडेट यही है, हमने कबूल किया। सिंध असेंबली के अंदर हमारे 14 एमपीएस को फंड का एक थैला नहीं मिला, एक रुपया उनको नहीं दिया गया, उनको कमेटियों में नहीं बिठाया गया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम बैठे, हम जो आवाम की मैंडेट को कबूल करते हैं। लेकिन आज आज हमें धक्के देकर पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया। आज आपके जीडीए का कोई मेंबर नहीं है, आज आपके सिंध असेंबली में जो गिनती के 2 मेंबर आए, पीर साहब ने बड़ी बड़ी हकारत से बात कही है कि 2 एमपीए भी साथ ले लो, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी। तो आपने तो जनाब हमें खुद उठा के सड़कों पर ला के खड़ा किया है, तो हम क्या करें? जब आपने ये चैलेंज दिया है कि यहां बैठी सारी क्यादत, तो मैं समझता हूं कि एक बुर्दबार क्यादत है, यहां बैठा हर शख्स बशमूल पीर साहब के बुर्दबारी रखता है, बुर्दबारी है रखता है, बुर्दबार है। उनको लड़ाई झगड़े की शायद पसंद भी ना हो, लेकिन आज आपने हमें चैलेंज किया है कि हम ये साफ साबित करें कि जब लड़ाई रोडों सड़कों मैदानों में है तो फिर इंशाअल्लाह ये लड़ाई मुकम्मल होगी, पूरी तरह होगी, आखिर तक होगी। आप कहते हैं ये जंग जारी रहेगी, उठ के ऐलान करें कि ये जंग जारी है, फिर साफ ही कहते हैं ये जंग जारी है, जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अब ये फिर आते के जी केस बनाओ मुर्दा खान जतवी पे, ये मतलब कोई शर्म की कोई इंतहा होती है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट, ये लोग समझते क्या है? आपने पूरे 6 माह जरदारी की खिदमत की, उसके तलवे चाटे, और आखिर में आप ये तोहफा देके जा रहे हैं कि मुर्दा खान जतवी एक कत्ल के एफआईआर में नामजद हुआ है। क्या आप समझते हैं कि एक अफ़ार में नामजद होने वाला वो शख्स जिसने एमआरडी की मूवमेंट में बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, क्या वो एक एफआईआर में दब जाएगा? मुर्दा खान कभी नहीं दबेगा, मुर्दा खान एक हीरो है, इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा हीरो ही रहेगा। आप एफआईआर करेंगे डरना चाहते हैं? लड़कान में 3 कत्ल हुए, एफआईआर किस पे बनी? मौजूद अब्बासी साहब के चीफ पोलिंग एजेंट पे, आज जेल में। क्या आप समझते हैं कि मौजूद अब्बासी झुक जाएगा? उसके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर आज उस पे हेड मनी रिकमेंड की गई है 10 लाख रुपए की। शर्म का आला मुकाम है कि तुम लोग केयर टेकर गवर्नमेंट, तुम लोग जरदारी के तलवे चाटते रहे हो 6 महीने, चीफ मिनिस्टर समेत पूरी इंतजामिया, तुम लोग जाओगे किस मुंह से जाओगे? शर्मसारी में जाओगे? जब मुस्तकबिल आएगा तो सिर्फ तुम्हें शर्मसारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तुम पे ये इंतजाम लगेगा कि तुमने दोबारा उस करप्ट गवर्नमेंट को दोबारा तुमने हमारे पे नाफिज किया, जिसे 22,000 अरब रुपए का हिसाब देना है। मैं आपको बताता चलूं कि इंशाअल्लाह ये हिसाब होगा। अगर ये समझते हैं कि असेंबली में नहीं सड़कों पे, सड़कों में हिसाब होगा, गलियों में हिसाब होगा, मैदानों में हिसाब होगा, कारखानों में साफ होगा, रोडों और रस्तों पे लड़ाई पूरी तरह जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब मैं आपको बताता चलूं, ये समझते हैं कि ये तहरीक दब जाएगी, जाम छोड़ो, मुझे यकीन है कि एक ऐसा इवेंट था जिसने दुनिया को जगा दिया। जाम छोड़ो ने M9 सुपर हाईवे पे पीर साहब की क्यादत में धरने ने दुनिया को जगा दिया। वो समझते थे कि पता नहीं जीडीए जेयूआई बेचारे से कीड़े मकोड़े जो कल जाके खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस धरने ने दुनिया को जगाया। ये बात तय हो गई है कि सिंध जाग चुका है, सिंध उठ चुका है, सिंध के लोग आ गया है, सिंध के लोग निकल आए, सिंध के लोग सरदारी को रिजेक्ट करते हैं, सरदारी को खत्म समझे आप यहां से। तो मेरे भाई और दोस्तों, जद्दोजहद को आगे बढ़ना है,
तो आज आपको मैं बताता चलूं, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर धरने में मैंने ये वादा किया हुआ है अपने आवाम से, अपने दोस्तों से कि हम अगला प्रोग्राम आपको देंगे। तो अब आपने 26 तारीख को मिर्जा साहब के बदीन में पहुंचना है, मुझे बताएं बदीन चलेंगे 26 तारीख को, बदीन चलेंगे, उठ के रान करें 26 तारीख को इंशाल्लाह बदीन में इसी किस्म का धर्म। दरमियान में क़यादत ने फैसला किया है कि 23 तारीख को हम लोग सब बैठेंगे, जिसमें हमारी अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल JUI के हम लोग बैठ के आइंदा का प्लान बनाएंगे। इसी की लड़ाई सोच से, समझ के, जज्बे से लड़नी है। वो जज्बा है हम लोगों में, मैं वहां को देख रहा हूं कि जिस अंदाज में आप जम छोड़ो आए और जिस अंदाज में आज आप मोरों में आए, जज्बा जिंदा है। इस जज्बे को जिंदा रखना है, जिद्दोजहद को जारी रखना है। और आखिर में सिर्फ एक बात बताता चलूं, राशिद ने ऐलान किया कराची का, मैं आप लोगों सबको, मेरे भाई और दोस्तों, मेरी बहनों और मेरी बच्चियों, ये लोग एकदम ऐलान करेंगे कि असेंबली का सेशन हो सकता है 12 घंटे के नोटिस पे उठे, 12 घंटे के नोटिस पे ऐलान हो जाए। मैं आज आपसे यहाँ पे साईं सदुद्दीन शाह साहब और मुर्तजा खान चतुई साहब की इजाजत से ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जैसे ही ऐलान हो तो कदम कराची की तरफ उठेगा, रुकेगा नहीं, उठेगा कराची की तरफ, उठेगा कराची की तरफ। दोस्तों, हरी मां।